कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशभर में इस वक्त लॉकडाउन है। इसके चलते भरतपुर में गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार मजदूरों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने 3 महीनों तक जन खाता लाभार्थी महिलाओं को 500-500 रुपए देने का फैसला भी किया, जिसकी पहली किस्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। बैंकों में भीड़ ना लगे इसके लिए भी प्रशासन उचित प्रबंध करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है। इसके अलावा जनधन खातों के अंतिम अंकों के हिसाब से खाताधारक महिलाओं के लिए दिन भी तय किए गए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। भरतपुर जिले में बैंकों की लगभग 191 शाखाएं काम कर रही हैं, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो महिला लाभार्थी हैं उनके खातों में 3 माह तक प्रत्येक माह 500-500 रुपये डाले जाएं। तो अप्रैल माह के लिए जो प्रथम किस्त 500 रुपये की थी वो डलना चालू हो गया है। पहली किस्त 500 रुपये की 2 अप्रैल को डाली गई थी, जो कल 3 अप्रैल को निकाली गई, और इसमें 0 और 1 अंकों के साथ जो आखिरी अंक हैं खातों के, उन खाताधारकों के लिए सुविधा दी गई थी। आज 2 और 3 जिनके आखिरी अंक हैं उनके लिए पैसे उपलब्ध हैं और खाताधारक अपने अपने खातों से पैसे निकाल रही हैं महिला। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।